हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं पंप सीरीज का 29वां प्रश्न। और दोस्तों, आज का प्रश्न ये है कि व्हाई इज सेंट्रीफ्यूगल पंप डिस्चार्ज लाइन स्मॉलर इन डायमीटर देन सक्शन लाइन। किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो डिस्चार्ज लाइन है वो हमेशा कम क्यों होती है, किसके कंपेयर? सक्शन लाइन के। यानी कि सक्शन लाइन की जो लाइन की जो साइज है वो अधिक रहेगी और डिस्चार्ज लाइन की जो साइज है वो हमेशा कम रहेगी। अगर सक्शन लाइन की अगर साइज है 4 इंच तो डिस्चार्ज लाइन की जो साइज होगी वो 2 इंच या 2.5 इंच। यानी कि ये हमारा डिस्चार्ज लाइन की साइज हमेशा सक्शन लाइन के कंपेयर कम क्यों होता है, यही आज हम सीखेंगे। दोस्तों, इसे अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में वेंचुरीमीटर के बारे में थोड़ा सा अवगत कराऊंगा। वेंचुरीमीटर में आपने देखा था कि वेंचुरीमीटर के 3 सेक्शन थे। एक पहला हमारा कन्वर्जन सेक्शन था, दूसरा थ्रॉट था और तीसरा डाइवर्जन सेक्शन था। दोस्तों, इसमें क्या होता था वेंचुरीमीटर में कि हम अगर कन्वर्जन सेक्शन को 0.1 माने तो वहाँ पे हमारा एरिया और A1 V1 P1 यानी कि एरिया वेलोसिटी और प्रेशर की अगर बात करें तो पॉइंट ए पे जो होता है एरिया हमारा ज्यादा है। पॉइंट ए मैंने कन्वर्जन सेक्शन को माना है जहाँ पे एरिया ज्यादा है। तो जब एरिया ज्यादा होता था तो हमारा प्रेशर तो बढ़ जाता था लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। यानी कन्वर्जन सेक्शन पे प्रेशर अधिक और वेलोसिटी कम होता था। अगर थ्रॉट की बात करें तो थ्रॉट पे एरिया क्या हो गई, कम हो गई लेकिन वेलोसिटी बढ़ गई और प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, और जैसे जैसे एरिया घटाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि वेलोसिटी और एरिया का हम रिलेशन देखें तो वेलोसिटी जो है एरिया का इनवर्स प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी बढ़ाओगे तो एरिया घटेगी और वेलोसिटी घटाओगे तो एरिया बढ़ेगी। इसका एक दैनिक जीवन में मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि सपोज करो आपके पास कोई एक कैन है, प्लास्टिक की कैन है जिसमें पानी आप भरे हो, उसमें आप एक माइनर सा पिन होल करो, छोटा सा होल करो, तो उस समय आप देखोगे कि जो होल, छोटा होल करने से हमारा जो लिक्विड बाहर आ रहा है वो हाई वेलोसिटी से आ रहा है, वो लगभग 10 मीटर की वेलोसिटी इतनी दूर जाके वो गिर रहा है, स्प्रे हो रहा है। लेकिन अगर उसी होल को आप बढ़ाते जाओ, उसी होल को आप जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, जो जो फ्लूइड की वेलोसिटी थी, जो लिक्विड जो 10 मीटर दूर जाके गिरता था, अब वो धीरे धीरे आके कम कम और कम होता जाएगा और एक ऐसी कंडीशन आएगी जैसे जैसे एरिया आपने बढ़ा दिया यानी कि इतना बड़ा होल कर दिया तो पूरा का पूरा पानी यहीं गिरेगा। और पहले जो पानी गिरता था वो बहुत दूर 10 मीटर की दूर पे, जब एरिया कम थी तो 10 मीटर की दूर पे गिरता था, लेकिन अब वो एरिया जैसे जैसे बढ़ाओगे तो वो एक ऐसी कंडीशन आएगी वो 1 मीटर भी दूरी कवर नहीं कर पाएगा। या आप दूसरा एग्जांपल, आप वो जो गार्डनिंग करते हो दोस्तों, गार्डनिंग में कभी कभी अगर आप बागीचे में पानी लगा देते होगे पाइप के द्वारा तो आप देखते होंगे कि पहले जो है आपने एरिया को कुछ नहीं, जो जो हौज है जिससे पानी निकल रहा है उसको आपने कुछ भी नहीं किया, रबर की जो हौज है उस पे आपने कोई चेंज नहीं किया तो पानी मैक्सिमम 4 मीटर की दूरी तक जाके गिर रहा है, बस उतनी ही उसकी वेलोसिटी है कि वो 4 मीटर दूर तक वो गिरेगा। लेकिन आप उस हौज, वो रबर की हौज को जैसे जैसे दबाते जाओगे यानी कि एरिया जैसे जैसे कम करते जाओगे वहीं पानी की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगा। चूँकि मोटर से जो प्रेशर आ रहा है, प्रेशर तो सेम ही आ रहा है, वो अगर मोटर का प्रेशर 5 kg है तो 5 kg ही मोटर 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 और पंप से तो हमारा 5 kg का ही प्रेशर आ रहा है, लेकिन आपने जैसे ही वेलोसिटी सॉरी एरिया कम किया तो वेलोसिटी आपकी बढ़ गई। अब वो आप देखो, आप अब उस वो लगभग 10 मीटर दूर जाके आपका पानी गिरेगा, ज़्यादा वेलोसिटी से गिरेगा। चूँकि जो आप पंप यूज कर रहे हो समरसेबल पंप, उसकी तो एक लिमिट प्रेशर है, अगर 7 kg का है तो 7 kg ही वो डेवलप करेगा चाहे आप एरिया को कम करो या ना करो। लेकिन वहीं 7 kg पे जो आपकी वेलोसिटी बढ़ जाने के कारण आप उसे 10 मीटर दूर तक स्प्रे कर रहे हो, पानी का छिड़काव कर रहे हो, लेकिन जब एरिया को आपने बिल्कुल चेंजेज नहीं किया तो मोस्टली 4 मीटर या
5 मीटर की दूरी तक ही स्प्रे हो रहा था, लेकिन अब क्या है वो 10 मीटर तक छिड़का हो जा रहा है। तो वहाँ भी एरिया का ही रोल है कि एरिया को जैसे आपने कम किया तो वेलोसिटी बढ़ गई, और वेलोसिटी बढ़ी तो दूर तक हम पानी का स्प्रे कर दिया। तो ये हमेशा माइंड में आप याद रखो कि लिक्विड के केस में जहाँ एरिया कम होती है वहाँ पे वेलोसिटी बढ़ जाती है, और जहाँ एरिया बढ़ जाती है वहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाती है। दोनों का इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो थ्रोट पे क्या होगा दोस्तों, थ्रोट पे हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी लेकिन प्रेशर क्या होगा कम हो जाएगा। तो जब ये आप अच्छे से समझ गए तो अब इसे समझने में कोई वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है दोस्तों। इसमें क्या है कि जैसे इंपेलर घूमेगा और इंपेलर घूम के जो डिस्चार्ज करेगा, तो सपोज करो कि आप एरिया बढ़ा के रखोगे, एरिया 4 इंच जैसे ये है तो 4 इंच की अगर ये भी लगा रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एरिया ज्यादा होने से वेलोसिटी कम हो जाएगी, और वेलोसिटी कम होगी तो सपोज करो कि हमारा 50 मीटर हाइट पे कोई टैंक है, ये हमारा टैंक है 50 मीटर हाइट, तो और यहाँ पे हमें लिक्विड को भेजना है, तो वेलोसिटी जब आपने एरिया बढ़ा दिया तो वेलोसिटी कम हो गई, तो ये लिक्विड की वेलोसिटी इतनी कम हो जाती है कि ये यहाँ तक 50 मीटर हाइट तक वो जा ही नहीं पाएगा क्योंकि वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है तो वो जाएगा ही नहीं उतनी हाइट पे। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी एरिया थोड़ा सा जो है डिस्चार्ज एरिया जो लाइन की है वो कम कर देते हैं, जैसे 4 इंच की सक्शन लाइन है तो 2 इंच का डिस्चार्ज लाइन कम कर देते हैं। तो जो जो डिस्चार्ज लाइन की जो साइज हमने कम किया, तो जो यानी कि लाइन की साइज कम किया यानी एरिया उसकी जो होती है उसे हम कम कर दिया, यानी लाइन की एरिया कम कर दिया। पहले लाइन की एरिया सक्शन में ज्यादा है, अब वहां पे कम हमने कर दिया। तो जैसे हम इसका जो डायमीटर है उसको हम कम करेंगे, तो जब डायमीटर हम कम करेंगे तो वहां पे हमारा जो वेलोसिटी है वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हमारी डायमीटर कम होती जाएगी हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और मैक्सिमम वेलोसिटी से हमारा जो है लिक्विड टैंक में चला जाएगा, जो 50 मीटर की हाइट तक है वहां तक इजिली मैक्सिमम वेलोसिटी से चला जाएगा। तो यही एक रीजन है कि हम जो इसका डायमीटर जो है पंप का डिस्चार्ज डायमीटर कम रखते हैं, क्योंकि डायमीटर आप जितना कम रखोगे तो एरिया आपके जितने डायमीटर कम रखोगे यानी एरिया कम हो रही है और वहां पे हमारी वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी जब बढ़ेगी तो इजिली वो 50 मीटर की हाइट को वो रिकवर कर लेगा। लेकिन अगर आप सपोज करो कि आप ये नहीं बढ़ा रहे हो, 4 मीटर का ये भी रख रहे हो, 4 इंच की ये भी रख रहे हो, 4 इंच की सक्शन लाइन भी रख रहे हो, 4 इंच की जो है डिस्चार्ज लाइन को भी रख रहे हो, तो वहाँ पे लाइन का जो डायमीटर है अधिक है यानी कि एरिया जो है वहाँ पे अधिक है, यानी कि जो वेलोसिटी है कम हो जाएगी और लिक्विड जा ही नहीं पाएगा। तो मेन यही है, वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए हम डिस्चार्ज लाइन का डायमीटर कम रखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।